तो भाई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। भाई आज का बहुत ही सैड सीन है क्योंकि फिलहाल में हमारे बॉक्सर आ चले गए, हमारे बीच में नहीं रहे। बॉक्सर जा रहा है, बॉक्सर की डीलिंग हो गई है यहाँ पर। भाई आए बॉक्सर को लेने, बात चल रही है। नहीं भाई नहीं, हमारे को बुरा नहीं है यार। ये हमारे बॉक्सर भाई जा रहे हैं, बस आखिरी दाना खा रहे हैं हमारे पास। इन सबको अलविदा बोल के बॉक्सर भाई हमारे चले जाएंगे। ये भाई आए हैं इनको लेने के लिए। ये भाई है और ये पीछे खड़े हुए भाई हैं, दाना खा रहा है आखिरी, उसके बाद ये चला जाएगा यहाँ से। वैसे तो ना हम बहुत वो करते थे कि नहीं यार हमारा दे सकते, चले जाए, हम बेच देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, दे देंगे किसी को। लेकिन जो बात यार दुख हुआ, दिल दुखा है यार। एक अटैचमेंट हो जाती है ना यार, कितना 8 महीने उसको हमने अपने वहाँ रखा, बकरा ईद से अब तक हमारे पास था। हाँ बकरा ईद तो गए थे, कितने महीने हो गए? 3 महीने हुए मैं। अबे क्या पागल हो गया क्या भाई? 8 महीने तो बकरी आने में है। 3 लेकिन 8 नहीं हुए, 3 भी नहीं हुए। भाई तकरीबन चलो 4-5 महीने हमने अपने पास रखा, लेकिन हमें उससे अटैचमेंट हो गई थी। जो बात है फिर सीधी बात है, जानवर को अपने पास रखोगे आपको अटैचमेंट उससे हो जाएगी। हमें उससे हो गई थी, लेकिन कुछ वजूहत आपको बताई थी। क्या वजूहत थी जिसकी वजह से हमने उसको बेचा? उसको बेचने की वजूहत यही थी कि जो है कि ये हमारे दूसरे जानवर, जैसे हमारा बर्लिन है और ये दूसरे छोटे मोटे जानवर हैं, ऐसे ये हमारा जो नया हम लाए हैं टापरा, ये बहुत कमज़ोर है और वो बहुत भर के टक्कर मारता था। इतनी भर के टक्कर मारता था कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ कि भाई हमें अगर पड़ जाए ना उसकी टक्कर, तो हम भी जो है ना थोड़ी देर के लिए सुन हो जाते थे कि यार ये टक्कर कैसे मार दी इसने, इतनी जोर से टक्कर मारा। मतलब सामने वाले को रियाज नहीं करता सामने वाले का। खैर वो चला गया आज, उसकी जगह मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, बिल्कुल खाली खाली है और बहुत जो क्या मसला है, भूसा खा रहा था और बहुत जो है आप देख सकते हैं सन्नाटा सन्नाटा लग रहा, जबकि गया जानवर बाकी सारे हैं हमारे, लेकिन हमारा बॉक्सर जो है चला गया इसके बाद सन्नाटा। असल में यार वो शांति, जो बात है यहाँ की शांति, वो हमें जो है ना अपने अपने साथ मतलब हंसी मजाक का मुस्कुरा करते रहते थे, अपने में लगाए रखता था, कुछ ना कुछ करता रहता था ऐसा, जिससे जो है हमारे साथ वो अटैचमेंट बहुत ज़्यादा हो गई थी उसकी। तो खैर चला गया, उसके बदले और लाएंगे, अच्छी कोई चीज़ लाएंगे। जाने दो उसको, जाने वाले को टोको नहीं और आने वाले को रोको नहीं, ऐसा कहते हैं भाई। ये क्यूट है लेकिन इसकी हरकतें क्यूट नहीं है। इसके नाम में बता क्या, टापरा कनकड़ा। चले भाई तो वापस बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ, बॉक्सर की बातों को साइड में करके अपनी वीडियोस की तरफ जाने में हम बढ़ते हैं। आज का सीन भाई कुछ ऐसा है कि वही रोज वाला सीन है, गोशियां चापने इसकी सफाई कर रहा है। यहाँ पे ब्रेड आई को खाना दिया जाएगा, पहले इसकी खुरली की सफाई की जाती है, उसके बाद खाना बनाया जाता है। और इन सारों का खाना आज का पूरा हो चुका है, सब मतलब खाए हुए हैं और जो खुले में वो टहल कर रहे हैं, चहलकदमी कर रहे हैं और जो है कि अपना खाना हजम कर रहे हैं, और जो बंदे में और बबलू तो खा के अपना सुकून से बैठा हुआ है। अब ये कि भाई हम देख रहे हैं कोई दूसरा ऐसा, अब मैंने जो सोचा ना यार बॉक्सर की जगह ना फिजान ऐसा लाना है बेटा, अपने बर्लिन जैसा लाना है, बर्लिन जैसा लाना है, छोटा बनानी है, छोटा। नहीं नहीं नहीं, ये तो अपना चला जाएगा ना बकरा ईद पे, अभी की बात कर रहा हूँ मैं, छोटा लाना है। मतलब बर्लिन जैसा सेहतमंद नहीं, सेहतमंद हम उसको खिला खिला के कर देंगे, लेकिन बर्लिन जैसा ही लाना है, खूबसूरत सही है और सेहतमंद और थोड़ा जवान, बिल्कुल बच्चा नहीं लाना, बच्चा नहीं पाल सकते हम। दो दांत का हमने तकरीबन 2 दांत का लाना है, ताकि वो जब बड़ा हो ना तो बर्लिन जैसा हो जाए, बर्लिन से अच्छा हो जाए, खिलाई पिलाई अच्छी करें, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ ज्यादा छोटा ना हो, ज्यादा छोटा होता है ना पता क्या होता है, 2 साल पालना पड़ जाता है, टेम्परेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, फिर हम वो चीज को बना नहीं पाते, दिल हट जाता है उस चीज से, सीधी बात। लेकिन इंशाल्लाह ढूंढ रहे हैं बर्लिन जैसे ही कोई लाएंगे, बहुत जल्द कलिया परसों में आ जाएगा। और ये हमारी माधुरी है, बर्लिन को प्यार करो तो माधुरी भी खड़ी हो जाती है, कहती है मुझे ही प्यार करो, लो भाई आपको भी कर लो, बस जेलिसी गर्ल। भाई तकरीबन सबने ही खाना खा लिया, आप देख सकते हैं ये छिलका, सारा छिलका खा के ना, ये मेन आइटम जो है ना, जो नट बोल्ट हम कहते हैं, सारा नट बोल्ट दाने के अंदर ऐसे ही पड़ा हुआ है और छिलका खा लिया। ये सॉलिड दाना है, अगर ये लोग खा लेना, ये ऊपर का ये छिलका होता है ब्लैक ब्लैक नज़र आ रहा है ना, ये छिलका दोनों सब खत्म कर लिया इसके अंदर से, लेकिन जो मोटा मोटा आइटम है ना वो उन्होंने छोड़ा हुआ है। ये सबसे सॉलिड आइटम ये है, ये असल सेहत इससे मिलती है इनको सेहत, देखा जाए तो। लेकिन ये लोग छोड़ देते हैं, भूसा खा लेते हैं और ये भूसा खाते हैं। अभी देखना वो भूसा छोड़ा हुआ ना इसने, अभी देखना माधुरी जाएगी भूसा खाने, जाओ माधुरी बेटा बर्लिन, जाओ बेटा भूसा खा लो, जाओ जाओ माधुरी, अभी देखना ये गया बर्लिन गया, जाओ माधुरी जाओ। बर्लिन का मुंह नहीं पहुंच रहा, वरना बर्लिन जरूर ट्राई मारता भूसे के ऊपर। अभी देखिए आ बर्लिन, ये लो खाएगा बता रहा हूँ ना, खाएगा ये
भूसा खाता है बगैरत, माधुरी भी खाती है कभी कभार भूसा। और यार हमारे बर्डलिन और हमारी माधुरी की कुछ दोस्ती ऐसी हो गई, ऐसी बॉन्डिंग इनकी इतनी अच्छी हो गई है कि हम जब बर्डलिन को बाहर छोड़ देते हैं ना, जब बाहर चला जाता है कभी हुआ तो माधुरी अकेली ना परेशान हो जाती है। पता है अभी ऐसी सीन हुआ था कि बर्डलिन को मैंने बाहर निकाला था कुछ खिलाने इनकी इसकी डाइट देने के लिए, और माधुरी अंदर थी तो ये इस दरवाजे से उस मतलब गली की तरफ चले गया था, मतलब माधुरी के सामने नहीं था। और भाई माधुरी इतनी तड़पी है ना, इसके लिए मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब इससे ये जाहिर हो रहा है कि भाई इन लोगों की दोस्ती अच्छी हो गई है, लेकिन हम नहीं चाह रहे कि ये बर्डलिन के साथ दोस्ती बनाए, हम ये चाह रहे हैं कि ये इसके साथ टापरे के साथ अपनी दोस्ती बनाए, ताकि यही इसकी नस्ल का है और यही इसके लिए ठीक है, क्योंकि बर्डलिन जो है इससे वजूद में ही बहुत बड़ा है, इससे उम्र में ही बहुत बड़ा है, तो इसको यही चाहिए कि भाई अपनी उम्र वालों से दोस्ती कर, जैसे कि ये इसकी उम्र वाला है, ये इससे थोड़ा सा कमज़ोर है लेकिन इसकी उम्र वाला यही है, बर्डलिन इससे बहुत बड़ा है वजूद में भी और उम्र में भी। और भाई बगैर बॉक्सर के आप देख सकते हैं हमारा सेटअप कुछ ऐसा नज़र आता है, ये बॉक्सर की जगह है जो कि पूटा बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, और ये कि बाकी सारे जानवर तो हैं लेकिन ऐसा ना बिल्कुल लग रहा है जैसे खाली खाली सा, लेकिन यार बहुत जल्दी हम इंशाल्लाह इसकी जगह भी फिल कर देंगे, कुछ ना कुछ ले आएंगे इंशाल्लाह। और यार बात रही बॉक्सर क्यों गया, और हमें यार अफसोस तो देखें हमें भी है बॉक्सर की जाने का, लेकिन असल मकसद जो है ना वो ये था कि यार ये हमारा बर्डलिन है, ठीक है, वो इस बर्डलिन को टक्कर मारी उसने, एक दिन मैंने देखा कि बॉक्सर ने बर्डलिन को टक्कर मारी थी, ठीक है, तो वो टक्कर देख के जो है ना मुझसे नहीं रहा गया भाई, सीधी बात है, मैंने उसी दिन से मैंने सोच लिया था कि यार इस बॉक्सर को हमने जो है ना रवाना करना है यहाँ से, क्योंकि सबको टक्कर मार दे मैं बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन बर्डलिन को मारी ना भाई, सीधी बात है हमसे बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए जो है हमने बर्डलिन को खुला रहता है, इसका ऐसा कुछ नहीं पता कब ये बॉक्सर के पास चला जाए, और बॉक्सर तो बंदा हुआ ही था, लेकिन जो बॉक्सर की हदूद में आया था उसको बॉक्सर रख देता था, लेकिन कह रहा बॉक्सर चला गया है तो अब हमारे सारे जानवर बिल्कुल सेफ है, बर्डलिन माधुरी और टापरा। सबने तो मेरे हिसाब से सबने खाना खा लिया, लेकिन ये जो है ना टापरा मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा भूखा है, नीचे घास वास ये उठा के खा रहा है, तो यार दाना तो पड़ा हुआ है इसके अंदर, क्या मसला बेटा ये खा ना, ये क्यों नहीं खा रहा, ये क्या है, दाना ही तो है सही है बिल्कुल, क्या खराबी, ना गीला है ना कुछ है, बिल्कुल सही है, खा इसको, ये लो उंगली नहीं खानी मेरी, खाना है, पता नहीं क्या चक्कर है, समझ नहीं, थोड़ा सा और चारा इसमें डाल के चेक करते हैं इसका, क्या पता ये हमारा खा ले, आ भाई तू इधर से आके खा लेना, क्यों इतनी मेहनत कर रहे है, भाई इधर से आके खा ले, क्यों इतनी मेहनत कर रहा है मेरा बेटा, आप खा लो, भूखा नहीं है, सिर्फ ड्रामे कर रहा है, भूखा नहीं है, इसने खा लिया, इन्होंने अपने हिसाब का सबने खाना खा लिया, कोई भूखा नहीं है। देखिए भाई दाना मैंने इसके लिए डाला था, मुझे गिरे वाला अपना भूखा लग रहा था टापरा, लेकिन माधुरी भी चली गई है खाना खाने, लेकिन माधुरी तो मुझे कहीं से भूखी नहीं लग रही थी, पेट वेट के हिसाब से सही बिल्कुल लग रही थी कि यस हो गया इसने खाना खाया है, लेकिन भूखा मुझे वो लग रहा था, वो उस टाइम अपना नमक चाटने में लगा हुआ, और माधुरी खाना खा ली, खैर जो भी खा रहा खाते रहे भैया, मान ली तो अच्छा ही है, इनका खाने का टाइम है, इसके अलावा हम इनको खाना नहीं देते, यही टाइम खाना देते हैं हम इनको, दो टाइम होता है, रात का टाइम और सुबह का टाइम। और आप देख सकते हैं मैं जहाँ भी जाता हूँ, मतलब व्लॉग बनाने में कहीं भी खड़ा हो जाऊँ यहाँ पर वीडियो शूट करने, बर्डलिन मेरे पास खुद ब खुद चल के आ जाते हैं, ये देख लो बिल्कुल चिपक जाएगा मेरे साथ के प्यार करो, प्यार करवाने के लिए आता है, मतलब इतनी मोहब्बत करता है, आप लोग देख सकते हैं ये मोहब्बत है भाई, ये मोहब्बत है बर्डलिन, तुम्हें नहीं करेंगे हम कभी जुदा अपने से, समझ रहे हो, नहीं समझ रहे, ओ बर्डलिन ए सोचते, चलो सोचते रहने दो उसको। हाँ तो भाई बस एंड करते हैं अपना यहाँ पे वीडियो का, सब कुछ आपको दिखा दिया, आज का हमारा मकसद यही होता है डेली वीडियो बनाने का कि आपको पता चलता रहे कि यहाँ पर हमारे साथ क्या हो, क्या क्या मुश्किलात का सामना, मुश्किलात तो नहीं हो रही खैर, लेकिन आप लोगों को यहाँ की अपडेट रहे ना रोज़ की रोज़ कि क्या गया और क्या आया, नए नए सारे हम आपको अपनी डाइट्स बताते हैं और दाने वाने का सब कुछ बताते हैं, तो हमारा मकसद यही होता है कि आप लोगों को पता चलता रहे हमारी यहाँ की अपडेट रहे, ठीक है, तो बस इतना ही था आज की वीडियो में, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।